हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री करेंगे चैप्टर टेन मैंसूरेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखेंगे हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विल बी नीड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रेस्पेक्टिवली इतना और इतना तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी टाइल्स हमें कितनी टाइल चाहिएगी हुज़ लेंथ एंड ब्रेथ जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है ये हमारी एक टाइल है ये क्या है टाइल तो इसकी हमें लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है ये लेंथ दे रखी है हमें बारह सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें फाइव सेंटीमीटर तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइल्स हुज़ लेंथ एंड ब्रेथ ये टाइल कितनी ऐसी कितनी टाइल लगाई जाएंगी जिसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है ये रीज़न है रेक्टेंगुलर इसमें कितनी ऐसी टाइल बिछाई जाएंगी हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रेस्पेक्टिव जो रीजन है उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें ये दी गई है तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम टाइल का एरिया निकालेंगे टाइल टाइल का एरिया निकालेंगे और फिर रीजन यो ये दिए हमें इसका एरिया निकालेंगे सबसे पहले हम टाइल का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू और टाइल हमारी कैसी है रेक्टेंगल है क्योंकि इसमें लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है तो एरिया ऑफ टाइल क्या हो गई हमारी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ तो ट्वेल्व क्रॉस फाइव क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है ना तो लेंथ की जगह लेंथ लिख दिया क्रॉस और ब्रेथ की जगह हमने फाइव लिख दिया तो ये हो गया हमारा सिक्सटी और ये है किस में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ टाइल एरिया ऑफ टाइल हमारा आ गया सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम ये दो पार्ट करेंगे पहले ए पार्ट लिखेंगे ए पार्ट में जो हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है ना ये इसकी हमें मेजर दे रखी है लेंथ इसकी है वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हंड्रेड सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन इस ये जो हमें दे रखा है ए पार्ट ए पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं एरिया ऑफ रीजन हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ क्योंकि रेक्टेंगल है तो वन फोर्टी फोर क्रॉस हंड्रेड राइट right? ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है तो ये क्या हो गया ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई करते हैं हम ज़ीरो से तो पहले ज़ीरो ज़ीरो लिख लेते हैं और 144 वन फोर्टी फ़ोर बन जाए वन फोटी फ़ोर और एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ रीज़न हमारे पास क्या आ गया वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर तो कह रहे हैं कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ेगी हाउ मैनी टाइल्स तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला हम कैसे कैसे लिखेंगे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन एरिया ऑफ रीजन को हम एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड दे, दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएंगी तो एरिया ऑफ रीजन हमारा कितना आया है वन फोर्टी फोर जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ टाइल कितना आया हमारा एरिया ऑफ टाइल कितना है सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया जीरो से ज़ीरो कट गया अब वन फोर्टी फोर को हम सिक्स से डिवाइड करेंगे छः दूनी जीरो है छः दूनी बारह दो बचे चार उतारे छः चौक चौबीस और ये वाला जीरो है ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे तो हमारी कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ी हमें हमें पड़ी दो सौ चालीस टाइल तो नंबर ऑफ़ टाइल नंबर ऑफ टाइल हमारी कितनी हो गई दो सौ चालीस ए पार्ट के लिए अब बी पार्ट का मेज़र ये दिया है तो हम ये एक रीज़न बना लेते हैं रेक्टेंगुलर रीजन इसकी मेज़र क्या है सेवेंटी सेंटीमीटर एंड थर्टी सिक्स सेंटीमीटर तो ये हो गया सेवेंटी सेंटीमीटर और ये हो गई ब्रेथ इसकी थर्टी सिक्स सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रीज़न एरिया ऑफ रीजन यानी कि इसका एरिया ये कैसा है हमारा रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ लेंथ कितनी है इसमें सेवेंटी ब्रेथ कितनी है थर्टी सिक्स इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो पहले ज़ीरो लिख लेते हैं अब सेवन की मल्टीप्लाई करते हैं सात छः बयालीस सातियाँ इक्कीस और चार पच्चीस तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम लिखेंगे इसमें भी हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला हमारा क्या है एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल तो एरिया ऑफ रीजन हमारा क्या आया है ये हमारा एरिया ऑफ रीजन है इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं ये हमारा कितना आया है टू फाइव टू जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ टाइल हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना आया है सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया जीरो से जीरो कट गया अब टू फिफ्टी टू को हम सिक्स से डिवाइड करेंगे छः चौ चौबीस एक बचा दो तारा छः धोनी बारह तो हमारी कितनी टाइल हो गई फोर्टी टू तो नंबर ऑफ़ टाइल नंबर ऑफ टाइल हमारी कितनी हो गई फोर्टी टू तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए